दोस्तों कहते हैं जितना काला धन विदेशों में है उससे भी कहीं ज्यादा धन हमारे देश में ही मौजूद है, जिसे निकालने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वक्त वक्त पर छापे मारता रहता है। ये काला धन कभी घर से निकलता है तो कभी दुकान से, कभी जमीन से तो कभी छत से, कभी बिस्तर के नीचे से तो कभी बाथरूम या दीवार से, मगर इस बार तो हद ही हो गई। खजाना ऐसी जगह छुपाया जहाँ सैकड़ों लोग सो रहे थे, मगर चूंकि वो बोल नहीं पाते लिहाजा छुपाना आसान हो गया। देश के इतिहास में शायद पहली बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक अनोखी रेड मारी हो। ये छापा कब्रिस्तान में पड़ा। फिर छापे के दौरान जब एक कब्र को खोदा गया तो उसमें से निकला 433 करोड़ रुपए का खजाना। लोग कहते हैं कि कब्रिस्तान में आने के बाद दुनियावी कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। इंसान पहले लाश, फिर कंकाल और आखिर में खुद ही कहानी बन जाता है। मगर चेन्नई की कहानी एक कब्र से शुरू होती है। कहानी इंसानी जुर्म की, कहानी हेराफेरी की, कहानी इंसानी लालच की, वो कहानी जो इससे पहले ना कभी सुनी गई और ना सुनाई गई। खुद डिपार्टमेंट के लोग इस कहानी को सुनकर सकते में हैं। कब्र की कहानी, कब्रिस्तान का रहस्य। 28 जनवरी 2019 का दिन, आयकर विभाग को खबर मिलती है कि तमिलनाडु के मशहूर सवर्णा स्टोर लोटस ग्रुप और जी स्क्वायर के मालिकों ने हाल ही में कैश के जरिए चेन्नई में 180 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी है और वो इस डील को छुपाकर टैक्स की हेराफेरी कर रहे हैं। ये खबर इतनी पक्की थी कि आयकर विभाग ने इन कंपनियों के चेन्नई और कोयम्बटूर में 72 ठिकानों पर छापा मारने के लिए कई टीमें तैयार करी और सुबह से ही आयकर विभाग की टीम इन कंपनियों के ठिकानों पर छापे मारने लगी। मगर इनकम टैक्स के अधिकारियों के हाथ कुछ भी नहीं लगा, न रुपए, न जेवर, न पेपर। 6 फरवरी 2019 चेन्नई। आयकर विभाग को यकीन नहीं हो रहा था कि ये कैसे हुआ कि इन तीनों कंपनियों के मालिक के बारे में इतनी पुख्ता जानकारी होने के बावजूद उनका ऑपरेशन कैसे फेल हो गया। उनके हाथ कुछ नहीं लगा। डिपार्टमेंट को अपनी इन्फॉर्मेशन पर इतना यकीन था कि वो खुद को नाकाम मानने की बजाय इस बात की तफ्तीश में जुट गए कि उनकी ये रेड नाकामयाब कैसे रही। मुखबिरों को एक्टिव किया गया, शहर के सैकड़ों सीसीटीवी चेक किए गए, कॉल डिटेल खंगाली गई, तब जाकर पता चला कि एक एसयूवी गाड़ी उस रोज यानी 28 जनवरी को पूरे दिन सड़कों पर बेवजह इधर उधर घूम रही थी, जिसकी फुटेज देखकर डिपार्टमेंट को शक हुआ। सीसीटीवी की तलाश की गई मगर उसमें काफी वक्त लगा। हालांकि अगले ही दिन पुलिस ने उस एसयूवी और उसके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। 7 जनवरी 2019 सुबह का वक्त, चेन्नई। हर तरफ सन्नाटा जैसे कि कब्रिस्तान में होता है, मगर इस सन्नाटे को चीरती सायरन की आवाज, क्योंकि खबर मिलते ही आयकर विभाग की टीम सुबह सुबह चेन्नई के एक कब्रिस्तान में दाखिल हुई। उनके साथ एक एसयूवी का ड्राइवर भी था जो 28 जनवरी को पूरे दिन अपनी गाड़ी को शहर में घुमा रहा था। गिरफ्तारी के बाद उससे रात भर कड़ी पूछताछ की गई थी और इस वक्त भी वो कब्रिस्तान में आयकर विभाग के अधिकारियों के साथ आया था। सैकड़ों कब्रों के बीच उस ड्राइवर ने एक कब्र की तरफ इशारा किया। उसके इशारा करते ही पूरा डिपार्टमेंट उस कब्र की तरफ दौड़ पड़ा। फावड़ा, कुदाल और बेलचा लेकर कर्मचारी जुट गए। आनन फानन में कब्र को खोदा गया। फिर जब कब्र की मिट्टी हटी और जो तस्वीर दिखी उसने वहां खड़े आयकर के तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों के होश उड़ा दिए। आयकर विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस वाले अब उस कब्र के सामने खड़े थे जिसमें मुर्दा नहीं, खजाना दफन था। पूरे 433 करोड़ का खजाना, जिसमें करीब 25 करोड़ रुपए नगद, 12 किलो सोना और 626 कैरेट हीरे थे। मगर सवाल ये था कि आयकर अधिकारी जिस खजाने को ढूंढने के लिए 72 ठिकानों पर छापा मार चुके थे, वो आखिर एक कब्र में कैसे आया? आयकर विभाग की रेड की खुफिया जानकारी किसने लीक की? तो इन सारे सवालों के जवाब उस ड्राइवर ने दिए जो पूरे दिन चेन्नई की सड़कों पर काला धन लेकर बस यूं ही घूम रहा था। पहली बार ऐसी कार्रवाई चेन्नई और कोयम्बटूर में जो हो रहा था वो शायद इस देश के इतिहास में पहली बार था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इस रेड की कहानी किसी साउथ इंडियन फिल्म जैसी थी, लेकिन यहाँ पर जो हुआ वो फिल्म की कहानी ना होकर एकदम सच था। कब्र से निकला अरबों का खजाना, ये वो खजाना था जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 28 जनवरी को चेन्नई और कोयम्बटूर में 72 जगहों पर छापे मारकर खोजना चाह रहा था। मगर इस धांधली में शामिल तीन बड़ी कंपनियां, सवर्णा स्टोर, लोटस ग्रुप और जी स्क्वायर के मालिकों ने इसे पहले ही पार कर दिया था।
पैसों की हेराफेरी के अलावा आईटी एक्सपर्ट्स की मदद लेकर इन लोगों ने कंप्यूटर से रिकॉर्ड भी हटा दिया और पैसों को एक एसयूवी गाड़ी में छुपाकर शहर में पूरे दिन घुमाने के बाद जब छुपाने की कोई जगह नहीं मिली तो उसे एक नजदीकी कब्रिस्तान में एक कब्र में ऐसे छुपा दिया जैसे वहां मरने के बाद मुर्दे को रखा जाता है, ताकि उनकी इस चोरी की भनक भी किसी को ना लगे। एसयूवी कार में घूम रहा था खजाना। यही वजह थी कि पुख्ता कवर होने के बावजूद 28 जनवरी को मारे गए इनकम टैक्स के छापे में डिपार्टमेंट को ज्यादा कुछ नहीं मिला था। ऐसा इसलिए क्योंकि सूत्रों के मुताबिक कंपनियों को छापा पड़ने की खबर कुछ पुलिस वालों से पहले ही लग गई थी और रेड पड़ने की सूचना मिलने के बाद तीनों कंपनियों के मालिकों ने ज्यादातर पैसों, सोना और हीरों को एक एसयूवी में छुपाकर चेन्नई की सड़क पर दौड़ना शुरू कर दिया। इस गाड़ी में जो सामान था उसकी कुल कीमत 433 करोड़ रुपए के करीब थी। ड्राइवर ने खोला राज। आयकर अधिकारियों की इस नाकाम रेड के बाद जांच की गई तो पता चला कि जिस वक्त डिपार्टमेंट छापा मार रहा था ठीक उसी वक्त एक एसयूवी कार चेन्नई की सड़कों पर लगातार चक्कर मार रही थी, जिसमें काफी काला धन और जेवरात थे। जिसके बाद इस एसयूवी कार की तलाश की गई और आखिरकार पुलिस की मदद से उसे ढूंढ भी निकाला गया, मगर पुलिस और आयकर अधिकारियों को इस गाड़ी में कुछ भी नहीं मिला। लेकिन जब इस कार के ड्राइवर से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने खुलासा किया कि उसने कब्रिस्तान में कई सारे बोरे छुपाए हैं जिसमें कैश, जेवर और हीरे हैं। इसके बाद आयकर अधिकारियों ने ड्राइवर की निशानदेही पर कब्रिस्तान में उस कब्र की खुदाई शुरू कराई जिसमें खजाना छुपे होने की बात ड्राइवर ने बताई थी। खुदाई में आयकर अधिकारियों को करीब 25 करोड़ रुपए नगद, 12 किलो सोना और 626 कैरेट के हीरे बरामद हुए। 28 जनवरी को शुरू हुआ ऑपरेशन 9 दिन बाद जाकर खत्म हुआ। इस ऑपरेशन के खत्म होने के बाद आयकर अधिकारी फिलहाल कंप्यूटर से डिलीट किए गए डेटा को वापस लाने के लिए आईटी प्रोफेशनल की मदद ले रहे हैं, ताकि इन तीनों कंपनियों के मालिकों ने हाल ही में कैश के जरिए चेन्नई में जो 180 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी की खरीद की है उसका खुलासा किया जा सके।